आज हम अपने रसोई में अंडा करी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अंडे को उबाल लिया है। तो अंडे को उबालने के लिए मैंने यहाँ पे एग बॉयलर यूज़ किया है। आप चाहे तो एक कटोरी में पानी लगकर उसमें अपने अंडे बॉयल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग बॉयलर का यूज़ किया है। इसमें मैंने सारे अंडे को रख दिया था और अब हम इसे 10 मिनट के लिए उबलने इस तरह से दे देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे तो हमारे जो अंडे हैं वो उबल जाएंगे। तो अब 10 मिनट हो चुका है, निकाल लेते हैं। और ये देखिए अंडे भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसाले में हमने लहसुन, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और धनिया लिया है। इन सभी मसालों का हमें एकदम अच्छे से एक पेस्ट तैयार करना है। इसमें मैंने कुछ टुकड़े प्याज की भी डाल दिए है। तो यहाँ पे हमने इसका पेस्ट रेडी कर दिया है, ये देखिए। अब जो हमने हमारे एग को बॉईल कर लिया था उसे हम अच्छे से छील लेंगे। उसका जो ऊपर का छिलका है उसे हम हटा लेंगे। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से इस तरह से रब करेंगे तो उसका छिलका अपने आप ऊपर आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैंने निकाला है। उसी तरह से हम दूसरा अंडा भी अच्छे से छील लेंगे। बहुत आसानी से ये निकल जाता है फ्रेंड्स। और इसी तरह हम सारे अंडे को अच्छे से छील लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से छिल रहा है। तो यहाँ सारे अंडे हमारे छिल चुके हैं। अब हम इन अंडे में एक टूथपिक के हेल्प से इस तरह के होल करेंगे। सारे अंडों में हम हर तरफ से इस तरह से होल कर देंगे। इन सभी चीज़ों में छेद कर देंगे हम इस तरीके से। तो मैंने सारे अंडे में छेद कर लिया है। अब हम तेल को गरम कर देंगे और इसी तेल में हम सारे अंडे एक साथ ही डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे धीमे धीमे आंच में। ये देखिए ये थोड़े थोड़े कहीं कहीं से ब्राउन होने लगे हैं। इसे हम पूरा ब्राउन कर लेंगे। और अब ये पूरा ब्राउन हो चुका है तो हम एक एक करके इसे निकाल लेंगे अंडे को। और अब हम चलते हैं ग्रेवी की ओर। तो यहाँ पे मैंने दो कट परे प्याज काट लिए हैं, दो सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और हल्का सा जीरा लिया है। और अब हम तेल को गरम कर देंगे। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे और तेज़पत्ता और वो सूखी लाल मिर्च भी डाल देंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें प्याज भी डाल देंगे और इसे हम भुनेंगे। तो प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है तो हमने जो मसाला पीस के रेडी किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे ताकि इसका रंग भी अच्छा आए। मसाला हल्का हल्का भुन गया है तो हम इसमें हमारे टमाटर डाल देंगे। मैंने एक टमाटर लिया है, उसे मैंने बारीक काट लिया है और अभी ये भुन रहा है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 छोटे छोटे उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहे तो आलू डालें, ना चाहे तो ना डालें, पर मैंने डाला है। तो आलू को हम अच्छे से मैश कर देंगे और अब हम इस ग्रेवी में नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। और अब हम इसमें जो हमने हमारे आलू को मैश करके रखा था वो आलू हम इसमें डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से मिलाएंगे। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालना, ना चाहे तो मत डालना। लेकिन आज जो हम अंडा करी हम बना रहे हैं उसमें हम आलू डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हल्का सा पानी दे देंगे ताकि मसाले जले ना। और अभी हमने सीक्रेट टिप्स एक किया ही नहीं है, अभी एक सीक्रेट रेसिपी हम इसमें डालने वाले हैं। तो ये जो आलू है इसको हम बीच में हल्का सा जगह कर लेंगे मसालों के बीच में और इसमें हम हल्का सा तेल डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने दो अंडे फिर से लिए हैं अच्छे से
और इसे हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। और अब हम हल्का हल्का हाथों से इसे फेंटेंगे ग्रेवी में, इस तरीके से दोनों को अच्छे से मिला लें। और अब जो ये तैयार हुआ है इसे हम ग्रेवी में पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो अंडा की ग्रेवी बनेगी वो बहुत टेस्टी बनेगी और सबको मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है अंडे को ग्रेवी में। ये लग रहा है ना बहुत लजीजदार, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, और ये बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो अब हम इसमें हल्का सा अंडा करी मसाला डाल देंगे और साथ ही में चिकन मसाला भी डाल देंगे। वैसे ये चिकन नहीं है पर हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। ये सब डालने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। और मसाले हमारे भून गए हैं और बहुत अच्छे स्मेल भी आ रही है। ये देखिए किस तरीके से मसाले हमारे एकदम अच्छे से बन गई हैं। तो अब हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे। धनिया के पत्ते ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। और धनिया के पत्ते डाल देने के बाद हम इसमें जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना हिसाब से पानी डाल दें और अच्छे से मिला दें। एक उबाल आ जाने दें। तो यहाँ हमारा ग्रेवी में उबाल आ गया है तो हम इसमें हमारे सारे अंडे इस तरीके से डाल देंगे। तो अंडा डाल के हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे ढक देंगे, गैस बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसे खोलेंगे ठंडा हो जाने के बाद। तो ये देखिए हमारा अंडा करी बनके तैयार है। कितना डिलीशियस लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है, लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट वाली। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारा अंडा करी, एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।